दिन के बज रहे हैं 12 और हम जा रहे हैं जी इस्लामाबाद जी 9, क्योंकि मोबाइल की बैटरी चेंज करनी है उस्मान ने मेरे साथ। उस्मान हमारी हवा भी बहुत चल रही है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है और हम ना चादरें लेकर आए हैं, ना रजाइयाँ लेकर आए हैं और ना ही टोपियाँ लेकर आए हैं, तो आगे हालत बहुत टाइट होने वाली है। अभी आप निकले हैं जी 12 से, तो मिलते हैं रास्ते में जाते जाते। ये किधर से आ गई यार, ये हमें बहुत ठंड लग रही थी, फिर रास्ते से हमने नहीं लिए, मैंने भी और उस्मान ने भी। अब हम मार्केट आ गए हैं, इधर हम मोबाइल करते हैं चेक। कौन सा मोबाइल है, चेक करो मोबाइल, आप चेक करना जिसके हम इधर काम करवाने आए हैं। मोबाइल है जी हवावे, इसकी एक ये स्ट्रिप डलवानी है और इसकी बैटरी डलवानी है, अभी ये ऑन वगैरह नहीं है। वहाँ जाते हैं और चेक करते हैं किस रेट से हमें ये मिलती है। इधर कराची कंपनी, ये बेसमेंट में मार्केट है, चेक कर ला। चल ठीक, उसामा गाड़ी को साइड पे कर रहा है। ये हमारी बाइक गाड़ियों के अंदर फंस गई है और ये अब हम देख रहे हैं कि कैसे निकालें। कैसे निकालोगे जी? अभी तुम देखते जाना, ऊपर से लेके जाओगे नीचे से लेके जाओ। बाइक ये उसामा ने बाइक निकाल ली है, ये देखें आप, ये इतनी थोड़ी सी जगह से इसने बाइक निकाल ली है, लेकिन इसने कर लिया है। अभी देखना, अभी ना गिरा दें। चलो आप जाएं, उधर से खिलाओगे क्या आप? अभी हम जाएंगे पुलाव खाने और साथ में देखते हैं कुछ दबाव शबाब हो जाए और चिकन हो गया ना, तो चलें आगे मिलते हैं। उस्मान के मोबाइल की बैटरी भी चेंज हो गई है, मतलब पुरानी बैटरी भी निकाल दी है, मोबाइल भी मोटरसाइकिल भी निकाल लिया है और हम भी इधर से निकल रहे हैं। निकल के आप किधर जा रहे हैं? अब हम गोड़ला शरीफ जा रहे हैं। गोड़ला शरीफ से पहले हम किधर जाएंगे? हम जाएंगे F9 पार्क। F9 नहीं, जाहिल इंसान, फातिमा जिन्ना पार्क जाएंगे, घूमे फिरेंगे, वो करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद फिर गोड़ला शरीफ से फिर वापस। हाँ, गोड़ला शरीफ से फिर मोबाइल की स्ट्रिप चेंज करवानी है, इधर से नहीं हुई उधर से चेंज करवानी है और उधर एक और भी काम है वो भी करना है। साइकिल एक्स भी हो गया, अब हम मिलते हैं आपको F9 पार्क में। हाँ जी, हम पहुँच रहे हैं अभी F9 पार्क में, यहाँ से ज़रा घूम के जाएं, फिर उसके बाद जाना है गोड़ला शरीफ। तो पार्क का भी आपको विज़िट करवाएंगे, जो लोग इस्लामाबाद से बाहर हैं, जो इस्लामाबाद में हैं उन्होंने तो तकरीबन देखी होगी, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी पार्क है ये F9 और फातिमा जिन्ना पार्क भी इसे कहते हैं, जो कि बिल्कुल मरकला हिल्स के सामने है। आपको पार्क का व्यू देते चलें थोड़ा बहुत।
चाचू जी, जब इस्लामाबाद में 1918 में बर्फ़बारी हुई थी ना, उसकी वजह से इसने ये पोल बनाया था, तो ये इधर ही जम गया था। फिर उसके बाद ये सेट नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने ऐसा किया कि इधर ही इसको सीमेंट लगा के इसका पोल इधर ही कॉपी कर लिया, तो ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। इस तरह के आगे और भी आपको नमूने दिखाएंगे। पार्क को जो ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं वो ये दरख्त हैं, ठीक है, दो रंग के दरख्त। इस पार्क में इस तरह के बहुत दरख्त लगे हुए हैं और छोटी छोटी इसमें बनी हुई हैं बैठने के लिए जगह भी। अच्छा, ये जो बने हुए हैं तीन, इन पे दोनों साइड पे इस तरह अल्लामा इकबाल के शेर लिखे हुए हैं, उस पर भी लिखा हुआ है, उस पर भी लिखा हुआ है, दोनों साइडों पर एक शेर दोनों साइडों पर लिखा है या अलग अलग है? दोनों साइडों पर अलग अलग इलामा इकबाल के शेर लिखे हुए हैं इन तीनों पे। ये जी इधर गैलरी है, अभी अभी ओपन हुई है, पेंटिंग्स जिसमें अलग अलग प्राइस में कुत्तों की प्राइस भी इतनी ज़्यादा है कि माशाल्लाह। ये है जी गैलरी भी है और म्यूज़ियम भी कह लें। इधर ये जो पेंटिंग आपको दिखाई हैं ये सेल करने के लिए उन्होंने रखी हुई हैं, पहले नहीं था ये, अभी तकरीबन दो तीन मंथ हुए हैं ये ओपन हुआ है इधर, पहले नहीं था। पेंटिंग की प्राइस भी आप देख लें, प्राइस भी उसके बाद वापसी फिर कर। जी हम अभी आ
फेवरेट है, ये हमारा फेवरेट खाना है और फेवरेट जगह है। खाना खा के फिर मोबाइल उठा कर तो फिर सीधा घर की तरफ। अच्छा जी, तो खाना वाना हमने खा लिया है, जो खाया है फास्ट फूड, और एडमिशन नहीं हुआ, कुछ सामान चीज़ें बुलाया था गाड़ी ये सिर्फ पैसे लेकर आया है, एडमिशन कोई और कागजात वगैरह वो नहीं लेकर आया, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हुआ। कल या परसों फिर शायद हम वापस आए हम एडमिशन करवाने के लिए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं सीधा घर, तो करते हैं व्लॉग यहाँ पर ही एंड, क्योंकि बाद में फिर मुझे घर जा कर याद नहीं रहता किस टाइम घर पहुँचेंगे, क्या साहब होगा, इसलिए आप